Hello students, I hope that you all are fine. So today we are going to start our chapter number 4 in social and political life subject which belongs to social studies SST. So in this chapter we will discuss about the gender inequality. Inequality means, agar aap Hindi mein baat karein, asamanta, which are not equal. So in this chapter we will discuss about the inequality, about the discrimination of gender. Gender, masculine and feminine, ladies and gents, aadmi aur auraton mein, yahan par jo asamantaye hain unke bare mein hum log baat karenge. So aaiye shuru karte hain. Bada acha topic hai, deep topic hai. You should know about the discrimination of gender in professional life, in mortality, in natal and in society and as well as family. So आइए शुरू करते हैं. We all are aware of the meaning of term gender. हम सब लोग gender का एक meaning जानते हैं, normal meaning कि gender का meaning होता है लिंग. एक होता है पुल्लिंग which is called as masculine, एक होता है स्त्रीलिंग which is known as feminine. ओके, masculine होता है जो male के लिए use करते हैं और feminine होता है जो आप female के लिए use करते हैं. However, in the Indian society, अगर हम भारतीय समाज की बात करें, it is related to the differences that exist between the man and woman of our society. इसमें अगर भारत के समाज में हम बात करें तो gender का मतलब है कि आदमी और महिला, पुरुष और महिला में जो अंतर है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे. Our understanding of gender is often based on the family and society that we live in. अब जो हमारी समझ है लिंग के बारे में वो है जो हमें समाज ने बताई, जो हमें फैमिली ने बताई, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम समझेंगे या समझते हैं. इट इज़ ओफन कंसिडर्ड दैट द रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन अराउंड अस आर फिक्स्ड एंड नेचुरल. अब ये कंसिडर किया जाता है कि जो इंसान, मतलब जो एक पुरुष और महिला के जो रोल हैं, जो पुरुष और महिला के जो रोल हैं वो फिक्स हैं, निश्चित हैं और प्राकृतिक है. मतलब कि ऊपर से ऐसे ही होके आया कि भाई ये काम जो है ये पुरुष करेगा, ये काम जो है महिला करेगी. इन फैक्ट दीज रोल्स डिफर अक्रॉस कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड. और ये जो रोल्स हैं ना ये अलग अलग हैं, ये जो इनके काम हैं ये अलग अलग हैं पूरी दुनिया में जो समुदाय हैं उनमें. जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट एंड नॉट डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल डिफरेंसेज ओनली. आप अगर बात करें कि जेंडर एक सामाजिक कंस्ट्रक्ट निर्माण नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है समाज ने बनाया, ये एक जेंडर इज़ ए सोशल कंस्ट्रक्ट. जेंडर जो है वो एक समाज के द्वारा जो इनमें अंतर पैदा किए हैं वो सामाजिक अंतर हैं, समाज ने अंतर पैदा किए हैं. ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है कि भाई ठीक है अच्छा ये कुछ फीचर्स हैं ये महिला में है और ये कुछ फीचर है जो पुरुष में. इससे अलावा भी बहुत सारे अंतर समाज ने इन दोनों में पैदा किए हैं. इट इज़ ए टर्म दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड मैनी ऑफ द इनइक्वलिटीज एंड पावर रिलेशंस बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द सोसाइटी. अब ये एक ऐसी टर्म है जो हमें मदद करती है, हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए बहुत सारी असमानताएँ और बहुत शक्तियाँ. इनइक्वलिटीज होता है असमानताएँ विच इज़ नॉट इक्वल. सो इनइक्वलिटी लिटीज़ को समझने के लिए, ताकत को समझने के लिए, और जो महिला और पुरुष जो हैं समाज में जो महिला और पुरुष हैं उनके बीच में जो संबंध है उनकी असमानताओं का, उनकी ताकत का, इसके बारे में हम लोग यहाँ से समझते हैं. कहाँ से? जेंडर से. आपने बचपन सुना होगा, आपने देखा होगा कि भाई जब कोई लड़का गिर जाता है, ठीक है छोटा छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, वो गिर गया तो क्या कहते हैं, अरे मेरा सिर कुछ दर्द नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो बहुत पक्का है, तूने चींटी मार दी, तूने दीवार तोड़ दी, ईंट तोड़ दी. इस तरह हम एक बेबी बॉय को पैम्पर करते हैं, उसको इस तरह हम समझाते हैं. लेकिन वहीं पर अगर एक लड़की है वो गिर जाती है, ओए इसको चोट लग गई बेचारी, बहुत नाजुक सी आई है, तो इस तरह से हम उनको ट्रीट करते हैं. तो बचपन से ही उनके माइंड में एक चीज़ सेट कर देते हैं कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता. सुनोगे ना, मर्द को दर्द नहीं होता. तो ये कहते हैं कि जो पुरुष होते हैं, जो फीमेल्स होते हैं उनको पेन नहीं होता है, और जो फीमेल्स होते हैं, गर्ल्स होती हैं, वो थोड़ी इमोशनल होती हैं, वो जल्दी चोट लग जाती है, नाजुक होती है. ये चीज़ें कहीं ना कहीं बचपन से ही मन में डाल दी जाती है.
अब आता है जेंडर इनइक्वालिटी, इसके बारे में हमने ओवरव्यू पढ़ा, एक्चुअल में क्या है वो जानते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी रेफर्स टू द ऑब्वियस और हिडन डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर। अब जो ये लिंग असमानता है, जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये रेफर करता है तो बिल्कुल आपके सामने है, बिल्कुल जाहिर होता है, या कहीं पर भी छुपा भी होता है। भाई ये जो अंतर है ये हमेशा सामने नहीं होता, ये कभी कभी छुपा भी होता है, और ये आपके जेंडर के व्यापार, लिंग के व्यापार इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। इन सिंपलर टर्म्स इट मीन्स, अगर हम आसान भाषा में कहें, इसका मतलब है मेकिंग डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड बॉय। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि छोटा सा बेबी अगर होता है, मान लो बॉय है, तो उसके लिए अलग पैटर्न पे फैमिली चलती है, लड़की होती है उसके लिए अलग पैटर्न पे फैमिली रिएक्ट करती है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट मैन एंड वुमेन आर अनइक्वल बाय बर्थ, वही जन्म से बिल्कुल असमान हो जाते हैं। द वर्क एंड इंटेलिजेंस ऑफ मैन इज मच ग्रेटर दैन दैट ऑफ वुमेन। अब यह कहा जाता है कि जो पुरुष है उसके काम, उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है वुमेन के कंपेयर में। भाई आपने देखा होगा कि एक महिला है, वो सारा दिन घर पे काम करती है, सबका ध्यान रखती है, अच्छे से सब कुछ मैनेज करती है, लेकिन उसके काम की कहीं पे कोई काउंटिंग नहीं होती, कोई गिनती नहीं होती। लेकिन अगर एक मैन 9 to 5 की जॉब करके आ गया तो कहता है भाई बहुत काम कर दिया, बहुत काम कर रहा है। इन इंडिया, भारत में मैनी रूरल पीपल थिंक दैट द गर्ल चाइल्ड इज़ ए बर्डन ऑन दैम। अब जो भारत में बहुत सारे गांव ऐसे हैं, गांव के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि भैया हो एक लड़की हो गई तो एक बोझ उनके ऊपर पड़ गया, एक लड़की हो गई तो बोझ उनके ऊपर पड़ गया। और ये जो मुद्दा है ना लिंग का, ये नहीं है कि 1, 2, 10 सालों से हो रहा है, इसको तो कई सदियाँ बीत गई, कई सदियों से हम ये अंतर अपने भारत में देख सकते हैं। दी प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशूज़ टूडे। अगर हम आजकल के मुद्दे की बात करें तो आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट में जो असमानता है, जबकि ऐसा अब है नहीं, अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है, उसके लिए आगे जानेंगे कैसे कम हुआ, बट ये कह रहा है कि सबसे मेन मुद्दा ये है। मान लो भाई आप मजदूर वर्क को ले लो, ठीक है, अगर महिला मजदूर है वो बेचारी 200 रुपये में काम करेगी, अगर मेल पुरुष मजदूर है, पुरुष लेबर है, मेल लेबर है, तो वो उसी काम को 400-500 में करेगा। तो ये भी एक समस्या है जो आजकल की सबसे मेन समस्या मानी जाती है। इन ऑर्डर टू एग्जामिन दिस सिचुएशन वी मस्ट ट्राई टू गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। इस आजकल की स्थिति को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसकी जड़ में जाएं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हम लोग इसको समझें। दिस सोशल फैक्टर्स कोज वुमेन टू हैव अ मच मोर डिफिकल्ट टाइम गेटिंग द सेम बेनिफिट्स वेजेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इज देयर मेल काउंटर पार्ट्स। अब जो सोशल फैक्टर, जो सामाजिक कारक है वो क्या है, वो ये है कि भाई उसी समय में, एक समय है उसमें पुरुषों को ज़्यादा वेजेस मिलते हैं, ज़्यादा कमाई होती है, ज़्यादा फायदे मिलते हैं, और नौकरी की भी ज़्यादा अवसर उन्हीं के पास हैं। किसके पास? पुरुषों के पास। द सोसाइटी इन विच वी लिव हैज़ बीन सेव्ड हिस्टोरिकली बाय मेल्स। इसका कारण क्या है, हमें समझ सकते हैं कि भाई जो समाज की रचना हुई, जो समाज शुरुआत से बना, वो पुरुषों के द्वारा बनाया गया। समाज जो बना वो पुरुषों के द्वारा बनाया गया है, जब पुरुषों के द्वारा बनाया गया तो पुरुष उसमें अपने आप को सर्वप्रथम रखेगा, सबसे ऊपर रखेगा। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे हिस्से ऐसे भी हैं, वुमेन रिसीव लेस अटेंशन एंड हेल्थ केयर दैन मैन, जहाँ पे महिलाओं पर कुछ खास ध्यान दिया नहीं जाता और उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, वहाँ पे सिर्फ जो पुरुष होते हैं उनको ही अटेंशन दी जाती है, उन पर ध्यान दिया जाता है और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जेंडर बायस, इसका परिणाम क्या है, भाई मान लो अगर आप किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार हो गया, तो ऐसे में क्या परिस्थिति बनेगी, भाई उसकी मृत्यु दर, जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी तो बढ़ेगा, जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, डेथ रेट जो है वो भी तो बढ़ेगा। तो ऐसे में जब वहाँ पे उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिलेगा, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पे महिलाओं की मृत्यु ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे महिलाओं की मृत्यु ज़्यादा होती है इन, और मेल्स की कम होती है, क्यों, मेल्स पे अटेंशन दिया जाता है, उनकी हेल्थ केयर में भी ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है, फीमेल्स को नहीं दी जाती। मोर्टलिटी इनइक्वलिटी हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एक्सटेंसिवली इन नॉर्थ अफ्रीका एंड इन एशिया। ये कह रहा है कि नॉर्थ अफ्रीका और एशिया में, और इसके साथ साथ चाइना और साउथ एशिया में, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर मृत्यु दर, जो मोर्टलिटी रेट है,
उसमें अंतर है। नॉर्थ अफ्रीका, एशिया, चाइना और साउथ एशिया, इस इलाके में जो ये एरिया है यहाँ पर फीमेल्स का डेथ रेट ज़्यादा है कंपेरेटिवली मेल्स डेथ रेट के, जेंडर इनइक्वलिटी इंडिया, अगर हम भारत में इस लिंग असमानता की बात करें तो उसके आप क्या समझेंगे, जानिए। मैन एंड वुमेन आर बोथ इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट। यहाँ पर ये बताया गया है कि बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जहाँ पर पुरुष और महिलाएं समान हैं, बराबर हैं। दे बोथ टुगेदर प्ले ए वाइटल रोल इन द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर फैमिलीज इन पर्टिकुलर एंड द सोसाइटी इन जनरल। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों को बिल्कुल बराबर रोल है, बराबर उनका किरदार है अपने समाज को और अपने परिवार को बनाने का, उसका निर्माण करने का। ऐसे नहीं खाली पुरुष समाज बना सकता है, सिर्फ पुरुष ही अपने समाज को डेवलप कर सकता है, नहीं, उसमें महिला का भी बराबर रोल है, महिला की भी बराबर जिम्मेदारियाँ हैं। इन इंडिया, भारत में सिंस ओल्डन टाइम्स, पुराने समय से वुमेन वर कंसिडर्ड एज एन ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। महिलाओं को शुरुआत से यहाँ पे एक दबू वर्ग माना गया है, एक उत्पीड़ित वर्ग माना गया है, एक बोझ माना गया है, मतलब इसको दबाया जाता है, शुरू से इसको दबाया जाता है। दे हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर सेंचुरीज, कई सदियों से इनको नेग्लेक्ट किया गया है, इनका कोई महत्व ही नहीं रहा, इनको कुछ माना ही नहीं है। ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, अब इसी समय में बात होती है जब महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया तो उन्होंने महिलाओं की आज़ादी के लिए आवाज़ लगाई, उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए भी आवाज़ लगाई। ही रोट, उन्होंने लिखा, आई एम अनकम्प्रोमाइजिंग इन द मैटर ऑफ वुमेंस राइट, कि मैं असहमत हूँ या मैं असम्मत हूँ, मेरी इसमें कोई भी सम्मति नहीं है, किसमें, जो महिलाओं के अधिकार का मामला है, कौन सा, द डिफरेंस इन सेक्स एंड फिजिकल फॉर्म डिनोट्स नो डिफरेंस इन स्टेटस। ये कह रहा है कि जो सेक्स में, जो लिंग में अंतर है, ये जो इनकी फिजिकल, जो शरीर में अंतर है, उसके आधार पर आप इनमें अंतर नहीं रख सकते, आप इनमें भेदभाव नहीं कर सकते। वुमेन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैन एंड नॉट इन्फीरियर। गांधी जी कहते हैं कि जो महिला है वो पुरुष के लिए एक कॉम्प्लीमेंट है, वो पुरुष के लिए एक इजाफा है, एक संपूर्णता है। पुरुष को पूरा होने के लिए महिला की आवश्यकता है, बिना महिला के पुरुष पूर्ण हो ही नहीं सकता, ये इस पर कोई बोझ नहीं है। नॉट इन्फीरियर, ये इस पर कोई बोझ नहीं है, ये इसकी हीन भावना नहीं है, ये इसके लिए एक इजाफा है, एक तारीफ की बात है, एक संपूर्णता का योग है। दस द फर्स्ट टास्क इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज टू प्रोवाइड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू द पीपल। अब अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता के बाद, भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले जो काम हुआ था वो संविधान बनाया गया था। क्या बनाया था? संविधान। और संविधान में विच वुड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शंस ऑन बेसिस ऑफ जेंडर, और संविधान में लिंग के बिहाव पर, लिंग के आधार पर कोई भी अंतर पुरुष और महिला में नहीं रखा गया। लिंग के आधार पर कोई भी अंतर आपको संविधान में नहीं दिखेगा। भारत में बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए गए हैं, ऐसे कानून बनाए गए हैं, ऐसे नियम और कानून लागू किए गए हैं जो महिलाओं की सुरक्षा में अपना पूर्ण योगदान देते हैं। सबसे पहला 1960 में एक एक्ट बना, एक कानून बना, डॉरी प्रोहिबिशन, दहेज प्रथा का बिल्कुल रोक। दूसरा बना इक्वल रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन होता है जो सैलरी मिलती है, ठीक है, जो मॉनेटरी फॉर्म में फ़ायदे मिलते हैं वो इक्वल होने चाहिए, ये 1986 में बना। हिंदू मैरिज एक्ट 1956 में, और जो हिंदू सक्सेशन, जो आप सक्सेशन मीन्स होता है कि जो वारिस के लिए एक्ट बना 1956 में, एक वारिस के लिए एक्ट बना। मुस्लिम वुमेन, अब जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मान लो अभी कुछ दिन पहले भी तीन तलाक का एक एक्ट बना है, तीन तलाक के लिए जो भाजपा सरकार ने बनाया, उसको लागू किया, उसको पास कर दिया। ऐसे ही एक मुस्लिम वुमेन एक्ट बना था जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स था 1986 में। द कमीशन ऑफ सती, अब जो सती प्रथा थी, आपको पता होगा कि भाई मान लो पहले किसी मेल की मृत्यु हो जाती थी तो जो उसकी पत्नी होती थी वह भी जिंदा उस चिता पे बैठ जाती थी, उस पर लिटा दी जाती थी और उसको जला दिया जाता था। इसको बंद किया गया 1987 में। प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, अब घर में जो उत्पीड़न होता है, मारपीट होती है,
तो उसके रोकने के लिए भी 2005 में एक एक्ट लाया गया। ये कुछ एक्ट हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट हैं और इन एक्ट की वजह से ही महिलाओं की स्थिति में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ह्यूमिलिएशन एंड हेल्पलेसनेस। ये कह रहा है कि जो ये माजरा है ना असुरक्षा, इनसिक्योरिटी असुरक्षा का, ह्यूमिलिएशन उसका उत्पीड़न का या उसका तिरस्कार उसका अपमान का, या हेल्पलेसनेस उसकी असहायता का, ये सारे के सारे लीव्स वुमेन विद नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू स्टे साइलेंट। ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शन हैं ये उस महिला को चुप रहने में या चुप रहने के लिए मजबूर करते हैं, इन्हीं की वजह से वह साइलेंट रहती है। अवर सोसाइटी इज सच दैट फॉर एनी अनसक्सेसफुल मैरिज विच रिजल्ट इन वायलेंस और डाइवोर्स इट जनरली द वुमेन हु इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। ये कह रहा है मान लो हमारे समाज में कोई शादी नहीं चली, असफल हो गई, कुछ दिक्कत है, तो उसका सारा का सारा जिम्मा जो थोपा जाता है वो महिला पे थोपा जाता है कि भाई ये परिवार की जो शादी सफल नहीं हुई इसकी जिम्मेदारी सारी इस महिला की है, इसकी वजह से ये काम नहीं कर पाए। कल्चर बिलीफ्स, हमारे कुछ सांस्कृतिक मत हैं, हमारे कुछ परंपराएं हैं, उसमें भी हम ये भेदभाव देखने को मिलता है। जो हमारे कल्चरल बिलीफ हैं, सांस्कृतिक विश्वास हैं, मत हैं या परंपराएं हैं, इनमें हम जो महिलाएं हैं उनमें हमें भेदभाव देखने को मिलता है। डिस्क्रेडिट मतलब होता है लज्जित, मतलब उनका एक लज्जा सी फील होती है, शर्म आती है। येट मैनी ऑफ देम कंटिन्यू टू फ्लोरिश एज एट द ग्रास रूट लेवल्स, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल जड़ से और उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फैमिली रिलेशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय पर्सनल लॉज। अब जो पारिवारिक संबंध है भारत में वो पर्सनल लॉज के द्वारा, पर्सनल लॉ कि भाई ये हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म ने अपने कुछ नियम कानून बनाए हुए हैं, ये मुस्लिम धर्म है, इन्होंने अपने कुछ नियम कानून बनाए हुए हैं, तो उनको कहते हैं पर्सनल लॉ। एक धर्म के द्वारा, एक समुदाय के द्वारा अपने कुछ निजी कानूनों को बनाना पर्सनल लॉज कहलाता है। द फोर मेजर, अब हमारे पता है कि भारत में या नॉर्मली चार समुदाय हैं, चार धार्मिक समुदाय हैं, एक आपका हिंदू, दूसरा है मुस्लिम, फिर है क्रिश्चियन और फिर है पारसी। ईच ऑफ देम हैज़ इट सेपरेट पर्सनल लॉज, इसमें से हर एक के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। दे आर गवर्न्ड बाय देयर रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉज इन मैटर्स ऑफ मैरिज। अब जो ये कानून, इनके कानून बनाए गए हैं, ये कहाँ कहाँ पर काम करते हैं, ये शादियों के मामले देखते हैं, तलाक के मामले देखते हैं, वारिस के मामले देखते हैं, गोद लेने के मामले, गार्जियनशिप किसी केयर टेकिंग जो होता है, और मेंटेनेंस उसकी सुरक्षा या उसका रक्षा करना, ठीक है, उसका मेंटेनेंस ध्यान रखना, ये चीज़ें सारी उसी पर्सनल लॉ के ब्याप पर, उसी पर्सनल लॉ के द्वारा की जाती है। इन द लॉज ऑफ ऑल दीज कम्युनिटीज़, अब जितने भी ये समुदाय हैं इनमें जितने भी नियम कानून हैं, वुमेन हैव फेवर राइट्स, महिलाओं के पास बहुत कम अधिकार हैं आदमी से, जो पुरुष है पुरुष से बहुत कम अधिकार महिलाओं के पास हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट वुमेन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया कंटिन्यू टू हैव अनइक्वल लीगल राइट्स एंड इनकम्प्लीट फॉर्मल इक्वलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली लाइफ। अब ये कह रहा है कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्यवश हम कह सकते हैं कि महिलाओं के पास जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो माइनर समुदाय है, जो छोटे समुदाय हैं जिनकी संख्या कम है, उनमें महिलाएं अब तक असमानता भुगत रही है, चाहे वो आपकी कानूनी तौर पर हो, चाहे वो उसके परिवार में, उसके पारिवारिक जीवन में पहलू की बात हो, पारिवारिक जीवन में भी और कानूनी अधिकार भी उस महिला के पास बहुत कम है, अब भी उनमें असमानता बरकरार है। ये यहाँ पर कुछ यूएन ने बोला है, यूनाइटेड नेशन ने, दैट वुमेन ऑफन एक्सपीरियंस अ ग्लास सीलिंग, कि वुमेन को एक ग्लास सीलिंग के तौर पर माना जाता है, और ग्लास सीलिंग का मतलब आप समझिए जिसमें कि परसीव्ड बैरियर टू एडवांसमेंट इन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशली सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। यूएन ने यहाँ पे कहा कि भाई देयर आर नो सोसाइटीज इन विच वुमेन एन्जॉय द सेम अपॉर्चुनिटीज एज मैन। कह रहा है ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है, ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर महिला पुरुष के बराबर
अवसर प्राप्त करती हो, पुरुष के बराबर उसे मौके मिलते हों या उनके जैसा वो एन्जॉय करती हों। ग्लास सीलिंग बोला गया है परसीव्ड बैरियर, एक ऐसी रुकावट महसूस करना जो तरक्की में, जो उन्नति में आड़े आती हो रोज़गार के, मतलब एम्प्लॉयमेंट की उन्नति, एम्प्लॉयमेंट के द्वारा उन्नति प्राप्त करने में एक बहुत बड़ी रुकावट है जो कि मतभेद के कारण है, खास तौर से सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग भेद, जो लिंग भेद है उसकी वजह से जो उसके एम्प्लॉयमेंट में, रोज़गार में जो रुकावट आती है उसको हम कहते हैं ग्लास सीलिंग, उसको हम कहते हैं ग्लास सीलिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी, अब अलग अलग तरह के जेंडर इनइक्वलिटीज़ हैं, लिंग ऐसा मानता है। सबसे पहला ये 7 टाइप्स के बताए हैं, कितने टाइप्स के हैं, 7 टाइप्स। सबसे पहला मोर्टलिटी इनइक्वलिटी, जो मृत्यु दर है, जो मृत्यु दर है वो भी ऐसा माना है। क्यों? क्योंकि हमने भी आपको बताया था कि दुनिया के बहुत से रीजन ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं और पुरुषों की हेल्थ केयर में बहुत सारी असमानता है, महिलाओं पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता और इसी वजह से उनके लाइफ और डेथ में बहुत बड़ा एक इनइक्वलिटी देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, डिफरेंस देखने को मिलता है। सेकंड है नेटलिटी इनइक्वलिटी, नेटलिटी होता है जन्म दर। अब जन्म दर मतलब जन्म होना, पैदा होना। देयर वॉज अ टाइम वैन दिस कुड बी नो मोर देन अ विश, बट विद द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स टू डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द फिटस, सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन हैज़ बिकम कॉमन इन मैनी कंट्रीज। ये कह रहा है कि जैसे कि आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा कि भाई चेकअप हो जाते हैं, भाई पहले तो इच्छा होती थी कि उनमें सिर्फ लड़का हो, लड़की ना हो, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो अंदर ही पेट में पता लग जाता है कि भाई बच्चा लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की है तो उसका एबॉर्शन करा देते हैं, तो वहीं पे क्या हुआ, वह बेचारी पैदा होने से पहले ही दुनिया से विदा हो जाती है। थर्ड है बेसिक फैसिलिटी इनइक्वलिटी, अब जो ज़रूरी ज़रूरी फैसिलिटीज़ हैं, जो मूल फैसिलिटी हैं उनमें भी ऐसा मानता। कौन सी? इवन व्हेन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स डोंट सो मच और एनी एंटी फीमेल बायस, देयर आर अदर वेज इन विच वुमेन कैन हैव लेस देन ए स्क्वायर डे। ये कह रहा है कि बहुत सारी मूल ज़रूरतें भी हैं जिनमें पुरुषों के द्वारा महिलाओं को ज़्यादा उत्पीड़न झेलना पड़ता है, पुरुषों के तुलना में महिलाओं के पास कम फैसिलिटीज़ होती हैं। फिर आते हैं प्रोफेशनल, प्रोफेशनल इनइक्वलिटी क्या होती है, जो आप व्यवसाय करते हैं, जो आप काम करते हैं उसमें भी ऐसा मानता है। जैसे कि हमने कहा कि प्रमोशन इन वर्क, मान लो किसी कंपनी में प्रमोशन होना है या कोई व्यवसाय है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका सेक्स डिटर्मिनेशन आ जाता है, आपका जेंडर इनइक्वलिटी आगे आती है कि अच्छा ये मेल है तो इसको प्रमोट कर देते हैं, ये फीमेल है तो ये आगे दिक्कत होगी तो इसको प्रमोट नहीं करते। ठीक है, जैसे कि जापान की बात करें, जापान में एक डेमोग्राफी के तौर पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो एक बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे मान लो हायर एजुकेशन हो गई, वो अब भी एलिवेटेड लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ऑक्यूपेशन सीम्स टू बी मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर वुमेन देन फॉर मैन। कह रहा है वहाँ पे काम करना महिलाओं के लिए ज़्यादा दुश्वार है, ज़्यादा समस्या वाला है बजाय पुरुष के। स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वलिटी, स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वलिटी, ये कह रहे जो खास तरह के अवसर है ना उनमें भी ऐसा मानता है, जो खास तरह के अवसर हैं उसमें भी ऐसा मानता है। इवन व्हेन देयर इज रिलेटिवली लिटिल डिफरेंस इन बेसिक फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग स्कूलिंग, द अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर एजुकेशन इज फार फ्यूअर फॉर यंग वूमेन देन फॉर यंग मैन। ये कह रहा है कि भाई जो बेसिक फैसिलिटी में, मान लो बेसिक फैसिलिटी क्या है भाई, पढ़ना, स्कूलिंग, हायर एजुकेशन में मौका मिलना, ठीक है, वो यंग वुमेन के पास बहुत कम है बजाय यंग मैन के। एक लड़का को आसानी से एडमिशन मिल जाता है, आसानी से स्कूल में उसको एडमिशन हो जाता है, आसानी से वह कॉलेज में चला जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए वो भी बहुत मुश्किल है। अर्लियर पहले की बात है, इट वॉज कंसिडर्ड यूजलेस टू एडुकेट दैम एज दे वर नाइदर रिक्वायर्ड टू सीक एम्प्लॉयमेंट नोर टू स्टडी स्क्रिप्चर्स। अब पहले के समय क्या होता था, इनको माना था भाई इनके लिए पढ़ाई बेकार है, क्यों, ना तो इन्हें कुछ काम करना है और ना इन्हें कुछ पढ़ना है, ठीक है, जब इनको एक काम का यूज़ ही नहीं है तो इससे अच्छे इनको घर का काम सिखाओ, घर का काम करेंगे तो उसमें उनका नाम होगा, तो उनको पढ़ाई से दूर रखते थे। बट धीरे धीरे स्थिति सुधरी है, अब गर्ल्स भी लड़कों के
तुलना में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ओनरशिप इनइक्वलिटी, अब मालिकाना जो अधिकार है वो भी असमान है क्या? बहुत सारे समाजों में जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी की वो सिर्फ लड़कों को दी जाती है, जो पिता की संपत्ति है उसमें सिर्फ लड़कों का अधिकार बताया जाता है। इवन बेसिक एसेट्स सच एज होम्स एंड लैंड में बी वेरी अनइक्वली शेयर्ड। द एब्सेंस ऑफ क्लेम्स टू प्रॉपर्टी नॉट ओनली रिड्यूसेस द वॉइस ऑफ वुमेन बट ऑल्सो मेक्स इट हार्डर फॉर वुमेन टू सर्वाइव इन मैनी केसेस। वैसे तो जैसे आप लोग देखते ही हैं कि भाई पिता की प्रॉपर्टी में बेटे का अधिकार है, उसको ही मिल जाती है, उसके बांट दी जाती है, बेटियों को कोई संपत्ति नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई दूसरे घर में तो वहाँ पे जो तो उसका है ही। तो इस वजह से इसकी वजह से कई बार तो ऐसा होता है कि उस महिला को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे चलकर ओल्ड और फैमिली इनइक्वलिटी, ओल्ड और फैमिली इनइक्वलिटी। अब परिवार में क्या असमानता है? बहुत सारे देश ऐसे हैं द फैमिली इट्सेल्फ बिकम्स द रूट कॉज ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी, कि जो फैमिली है वो अपने आप में इनमें एक असमानता पैदा कर देती है। नॉट ओनली आर बॉयज प्रीफर टू गर्ल्स बट ऑल्सो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज गिवन टू देम। ऐसा ही नहीं होता कि भाई चलो लड़की लड़की ऊपर मान लिए, इसके अलावा भी लड़कों को ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है उस परिवार में भी, लड़कियों को वहाँ पर तवज्जो नहीं दी जाती। बेस्ट फूड विल बी सर्व टू बॉयज एज कम्पेयर टू गर्ल्स, अच्छे से अच्छा खाना लड़कों को दिया जाता है। भाई बादाम घोट के दिए, छुआरे पिलाए, दूध पिलाया, भाई ये तो काम करेगा, इसको भाई पहलवान बना दो। तो वहाँ पर भी असमानता देखी जाती है। वाइल बॉयज़ आर लेफ्ट फ्री टू प्ले, गर्ल्स आर मेड टू डू हाउस होल्ड कोर्स एंड स्टे एट होम। लड़कों को फ्री छोड़ दिया जाता है कि भाई जा तू खेल के आ, चार चार घंटे खेल के आ, पूरे दिन खेल के आ। लड़कियों को बाहर जाने नहीं दिया जाता, लड़कियां सिर्फ घर में रहती हैं, भाई घर का काम करो, सीखो और घर पे रहो। ये ऐसा मानता है, इसको कहते हैं ओल्ड और फैमिली इनइक्वलिटी, जो पहले से चलती आ रही है। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, जो रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं भाई, वो कारक क्या हैं जो लिंग असमानता के लिए जिम्मेदार हैं? कौन से हैं? पहला, लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। समाज में महिलाओं का जो दर्जा है, समाज में जो महिलाओं का जो स्टेटस है वो बहुत नीचा है। भारत में द स्टेटस ऑफ वुमेन बिगन टू डिटेरियोरेट फ्रॉम एंशियंट इंडिया। जब प्राचीन भारत से बात करते तो वहाँ से ही महिलाओं का दर्जा भारत में कम होना शुरू हो चुका था। वुमेन वर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन मैन एंड वर डिनाइड शेयर इन पेरेंट्स एंड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, दे वर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मैन। कह रहे पुराने समय से ही, अब जो आर्थिक तौर पर कहें, पैसे के मामले में कहें, तो महिलाएं हमेशा पुरुषों पर, अपने पति पर या अपने पिता पर निर्भर रहती थी। ठीक है, अब इसमें इसके अलावा जो उसके माता पिता की संपत्ति थी या उसके पति की संपत्ति थी उसमें उसका कोई अधिकार नहीं होता था। उनको वहाँ पे एक नीचा मान लो या एक लज्जा मान लो, ऐसा उनको लिया जाता था, कंसिडर किया जाता था। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड, अब जो मान लो गर्ल चाइल्ड है, एक बॉय चाइल्ड है एक गर्ल चाइल्ड है, तो जो लड़की होती थी उसमें भी भेदभाव होता था क्या? बहुत सारे परिवार में तो हमेशा लड़के की महत्व दिया कि भाई हमें लड़का हो जाए, हे प्रभु हम सोना नारियल फोड़ेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, हम ये दान करेंगे, हम ये चढ़ाएंगे, बस हमें लड़का दे दो। ठीक है, तो इसी को जारी रखते हुए परिवार में क्या हुआ, वो सिर्फ लड़के पर निर्भर हो गए, लड़कियों पे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए लाइबिलिटी इन ए फैमिली बिकॉज पेरेंट्स हैव टू स्पेंड ऑन हर फ्रॉम हर बर्थ टू डेथ। और परिवार सोचता था कि भाई लड़की अगर हो गई तो उसकी बचपन से लेके और अंत तक जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो मानते थे उसकी शादी की, क्योंकि शादी में क्या होता है भाई, खर्चा होता है, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को मतलब एक जिम्मेदारी तौर पर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग तो इसको एक बोझ की तरह लेते हैं कि लड़की होगी उसे पढ़ाओ लिखाओ, लिखाने के बाद दूसरे घर जाएगी और उसमें भी खर्चा होगा। तो इस तरीके से ये भी भेदभाव होता रहा है। यहाँ पे एक यूनाइटेड नेशन के जनरल हैं जिनका नाम है कोफी अन्नान। क्या नाम है? कोफी अन्नान। ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं 7वें। जेंडर इक्वली इज मोर देन ए गोल इन इटसेल्फ, कि जो लिंग समानता है ना, जो लिंग समानता है ये अपने आप में एक गोल है, ये अपने आप में एक उद्देश्य है।
जो जेंडर इक्वलिटी है, जो लिंग समानता है, भाई दोनों लिंग को समान करना है, लड़के लड़कियां सब समान है, ये अपने आप में एक उद्देश्य है। इट इज़ अ प्री कंडीशन फॉर मीटिंग द चैलेंज ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग गुड गवर्नेंस। ये कह रहा है, ये वो पहली स्थिति है कि अगर हमने जेंडर इक्वल कर दिए तो खुद ब खुद जो गरीबी है वो कम हो जाएगी, खुद ब खुद जो विकास है वो आगे बढ़ जाएगा, खुद ब खुद जो सरकार है, गवर्नेंस है, वो भी अच्छी हो जाएगी। देयर इज़ ए नीड फॉर न्यू काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हमें नए तरह के इंस्टीट्यूट की जरूरत है, नए तरह के संस्थानों की जरूरत है। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू नॉर्म्स एंड रूल्स दैट सपोर्ट इक्वल एंड जस्ट रिलेशंस बिटवीन वुमेन एंड मैन। ये कह रहा है कि देयर इज़ ए नीड फॉर न्यू काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हमें अलग अलग नए नए तरीके के इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। इनकॉर्पोरेटिंग, हमें नए बदलावों की लागू करने की ज़रूरत है, नए नॉर्म्स बनाने की ज़रूरत है, नए नियम कानून बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि महिलाओं और पुरुषों में बराबरी हो सके। टुडे वुमेन आर ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स टू मीट द चैलेंजेस दैट आर हैम्परिंग देयर डेवलपमेंट। आजकल महिलाएं पूरा प्रयास कर रही हैं जिससे कि उनके विकास में जो बाधा है उसको दूर कर सके। एज ओल्ड सिस्टम्स अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है वो भी एक इसका फैक्टर है। क्या है, भारतीय सोसाइटी में गर्ल्स वर मैरिड एट वेरी यंग एज, बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। इन केस ऑफ अर्ली डेथ ऑफ हस्बैंड, और अगर बाई चांस कम उम्र में और जल्दी उनका पति अगर मर जाते थे तो उस लड़की को दोबारा शादी नहीं करने देते थे, वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी और उसको जीवन भर एक विधवा बनकर रहना पड़ता था, या तो सती हो जाए, सती बंद हो गई तो विधवा रहना पड़ता था। दे हैड टू लीड अ लाइफ ऑफ अटर नेगलेक्ट एंड डिस्पाइस, वो एक ऐसा जीवन जीती थी जिसमें कि उनसे कोई बातचीत नहीं होती, उनको अवॉइड किया जाता, उनसे कोई सलाह नहीं, मतलब कोई गिनती ही उनकी नहीं थी, बस एक कोने में पड़ी रहे, एक जीव है बस, या उनसे घृणा की जाती थी, अरे ये तो विधवा है इसको भगाओ, ये कैसे हमारे फंक्शन में आ गई, मतलब इतना बुरा उनके साथ व्यवहार था कि अगर किसी के घर पर शादी हो रही है, कुछ फंक्शन हो रहा है तो उनको वहाँ पर भी नहीं जाने दिया जाता था। द कस्टम ऑफ सती वॉज रिगार्डेड एज अ नोबलेस्ट वर्च्यू ऑफ वीडियो, जो सती प्रथा थी, भाई उसको पति की चिता पर लेट कर जिंदा जल जाना है, ये उनका नैतिक गुण माना जाता था कि भाई उनका नैतिक गुण है, उनका अधिकार है, उन्हें करना चाहिए। मैनी टाइम्स, बहुत बार विडोज वर फोर्स टू बिकम सती, जो विधवा हो जाती थी उन्हें जबरदस्ती सती बनाया जाता था, जबरदस्ती चिता पर लिटाया जाता था बिना उनकी मर्जी के, उनकी इच्छा नहीं होती थी, उसके बावजूद भी उन्हें जिंदा ही जलने पर मजबूर किया जाता था। द डाउरी सिस्टम इज स्टिल प्रीवेलेंट इन द सोसाइटी, फोर्स्ड मैनी पुअर गर्ल्स टू रिमेन अनमैरिड, आज के समय में भी, आज भी दहेज प्रथा चल रही है और दहेज प्रथा के कारण बहुत सारी बेचारी गरीब लड़कियां हैं जो दहेज नहीं दे सकते इसके पेरेंट्स, और वो बेचारी कुंवारी रह जाती हैं और वो बेचारी कुंवारी ही जीवन व्यतीत करती हैं, उनकी शादी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स दहेज नहीं दे सकते, ये भी एक कारण है, उनके पेरेंट्स दहेज नहीं दे सकते, ये भी एक कारण है। ठीक है बेटा, इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो फैक्टर्स है वो है बेटा नेगलेक्ट ऑफ फीमेल एजुकेशन, जो महिलाओं को, जो लड़कियों को शिक्षा से दूर किया जाता था, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। इन इंडिया इट वॉज कंसिडर्ड यूजलेस टू एडुकेट दैम एज दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू सीक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर नॉट प्रोवाइडेड टू गर्ल्स। ये कह रहा है कि भारत में अगर बात करें, फिलहाल भारत की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर उनकी एजुकेशन को यूजलेस, बिना किसी उपयोग की माना जाता था कि भाई इनको पढ़ाना किसी इस्तेमाल का नहीं है, कोई इनके प्रयोग का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन्हें कल कोई नौकरी तो करनी नहीं है, इन्हें कल कोई काम तो नहीं करना है, तो जब काम नहीं करना है तो बेकार में पढ़ के करेंगे क्या। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि कभी भी लड़की को बराबर अधिकार नहीं दिए गए लड़कों के जैसे। गर्ल्स इन विलेज स्पेंड ए लार्ज पार्ट ऑफ देयर डे डूइंग हाउसहोल्ड कोर्स। अब ये कह रहा है लड़कियाँ जो हैं दिन में अपना अधिकतर समय पूरे दिन क्या करती थी, घर के काम में लगी रहती हैं। द स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स आर हायर अमंग वुमेन। अब लड़कियों के स्कूल छोड़ने के केस ज़्यादा हैं बजाय एक लड़के से।
The choice of subjects taught in school and values given reinforce traditional roles of women. ये कह रहा है कि जो सब्जेक्ट है उसकी जो चॉइस है, जो स्कूल में पढ़ाई जाती है उसकी जो वैल्यू, जो उसकी कीमत है, उसका मूल्य है, वो भी एक ट्रेडिशनल रोल प्ले करता है महिलाओं के लिए. महिलाओं की जो परंपरागत जो रोल है वो भी कहीं ये प्ले करता है. सफिशियंट एनकरेजमेंट इज नॉट गिवन टू गर्ल्स ऑन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन. सफिशियंट, पर्याप्त मात्रा में प्रोत्साहन नहीं दिया जाता लड़कियों को, कहाँ पर, खेल में या शिक्षा में. उनको देखो कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लेडीज़ अब भी ऐसे हैं, कुछ महिलाएं अब भी ऐसी हैं, कुछ वुमेन अब भी ऐसी हैं जिनको आगे बढ़ने में कोई साथ नहीं देते, चाहे वो खेल हो. कहते हैं भाई खेल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपना घर पे करो, घर पे काम करो. उनको पढ़ाई में नहीं भेजते रहे, तुम्हें ज़्यादा पढ़ना क्या, ठीक है 5वीं तक पढ़ लिए, बहुत नाम लिखना आ गया, ठीक है इसको छोड़ो, आपको यहाँ पे अब आगे नहीं करना है. तो ये जो इनइक्वलिटीज़ हैं ये कहीं ना कहीं अब भी हमारे समाज में हैं. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ इनफ फॉर टुडे. आज के लिए हम इतना ही, बाकी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, उसको अच्छे से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगा, ध्यान से इसको सुने. ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.